Dear स्टूडेंट वी हैव टू डिस्कस वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड impact. हम बात कर रहे थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की हम बात कर रहे थे एमडी की मलिनियम डेवलपमेंट गोल्स की हम बात कर रहे थे हमारे टारगेट्स की हमने बात की अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास वर्ल्ड पॉपुलेशन और इट्स इम्पैक्ट जब तक हम अपनी वर्ल्ड पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करते हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन का प्लान नहीं बन सकता उस वक्त तक हम सोशो और इकोनॉमिक फैक्टर को कंट्रोल नहीं कर सकते हम जब बात करते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की तो उसमें तमाम टारगेट्स हमने और प्रोसीजर डिफाइन किए हुए हैं उसके अंदर हम एक एस्टिमेटेड पॉपुलेशन लेके चलते हैं अब ये जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन से वेरिएशन है कि हमारी पॉपुलेशन जहां पे वेरी कर जाएगी हमारी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन से तो उसके अंदर दो फैक्टर इन्वॉल्व हो जाएंगे एक तो सोशल फैक्टर और दूसरा इकोनॉमिक फैक्टर हमने सोशल फैक्टर के ऊपर जो बात जब हम बात करते हैं तो जैसे ही लोग ट्राइब से अर्बन एरियाज की तरफ आ रहे हैं तो जो अर्बन एरियाज है इनके ऊपर बर्डन बढ़ता चला जा रहा है और ये ओवर क्राउडेड होते चले जा रहे हैं इन ओवरक्राउडेड होने की वजह से वहां पे जो फैसिलिटीज हैं, जो सिस्टम है जो अवेलेबिलिटीज हैं है, उन तमाम रिसोर्स की जो अवेलेबिलिटीज हैं, उसके ऊपर असरअंदाज होनी शुरू हो गई हैं। अब अगर इस असरअंदाज को रोकने के लिए पहली पहले मरले पे तो हमारे पास ये जरूरत है कि हम अपनी पॉपुलेशन को एस्टिमेटेड पॉपुलेशन के साथ लेके चलें यह जो हमारा स्लोगन था बच्चे दो ही अच्छे असल उसमें स्लोगन के अंदर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो ये था कि उसके अंदर पॉपुलेशन का प्लान था और अगर हम पॉपुलेशन प्लान से आगे चले जाते हैं तो उसमें हमारा ना सिर्फ सोशल सिस्टम डिस्टर्ब होता है उसके बाद इकोनॉमिक सिस्टम भी डिस्टर्ब होता है क्योंकि हमने रिसोर्सेज जितने एलोकेट किए हैं वो इकोनॉमिक के लिहाज से हमने जो उसके ऊपर फंड्स एलोकेट किए हैं हमने जो उसके ऊपर मैं उसकी एग्जाम्पल देना चाहूँ जैसे हमने अस्पताल कितने बनाने हैं ये हमारा प्लान है हमने अच्छी हेल्थ देने के लिए हमें वैक्सीनेशन कितनी चाहिए ये हमारा जो प्लान है ये इकनॉमिक के साथ रिलेटेड है उसके बाद हमारे पास बच्चों को एजुकेशन देने के लिए हमें स्कूल कितने चाहिए स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना चाहिए फिर उनके लिए ह्यूमन रिसोर्स कितना चाहिए ये तमाम प्लान जो है ना ये हमारे इकनॉमिक के साथ रिलेटेड है क्योंकि हमने हर एक के ऊपर फंड्स एलोकेट करने होते हैं अब देखिए अगर हमारी पॉपुलेशन जो है वो हमारी अप्रोप्रिएट नहीं होगी और जब मैं अप्रोप्रिएट की बात करता हूं तो इससे मतलब ये है कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो जो हम एस्टिमेशन पॉपुलेशन लेके चल रहे हैं कि सपोज है कि हमारी पॉपुलेशन कितनी ग्रो करेगी उसके साथ अगर वो अलाइन नहीं है एग्जैक्ट पॉसिबल नहीं है एग्जैक्ट तो दुनिया में पॉसिबल नहीं हो सकता लेकिन उसके साथ अलाइन होना चाहिए या उसके टारगेट के साथ उसकी अलाइनमेंट इतनी हो कि वेरिएशन इतनी कम हो कि वो वेरिएशन जो है वो एक्सेप्टेबल हो तो फिर हमारे लिए बेहतरी हो सकती है तो इससे इस इससे हमें अंदाजा हुआ कि पहले नंबर पे जो हमारा प्रॉब्लम है वो सोशो का है सोसाइटी का कि जब हम ट्राइब एरिया से जाके हम अर्बन एरियाज में आएंगे तो हमारे अर्बन एरिया के रिसोर्सेज जो हैं वो उसके मुताबिक अपसेट हो जाएंगे फिर रोज रिसोर्स एलोकेशन की भी बात है कि जहां पे हमने रिसोर्सेज एलोकेट किए और वहां से लोग शिफ्ट होकर अर्बन एरियाज में आए हैं वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर जो उसका पहला इम्पैक्ट है वो है सोशल अब इस सोशल इंपैक्ट को हमने कंट्रोल करना है और वो कंट्रोल कैसे करना है कि हमने अर्बन एरिया पे बढ़ता हुआ जो बोझ है उसको कम करना है और उस बोझ को कम करने के बाद हमारा जो अगला फैक्टर आएगा वो हमारे पास है इकोनॉमिक कि हमने जो फंड्स एजुकेशन की है जो हमारी इकोनॉमिक रेवोल्यूशन है और जो फंड्स एलोकेशन हमने की है उसकी अप्रोप्रिएटनेस अब आप देखें उसके अंदर दो चीजें इन्वॉल्व है पहली चीज जो हमारी इन्वॉल्व है वो ये है कि पॉपुलेशन का ग्रोथ का रेट और दूसरी जो तो चीज़ जो इन्वॉल्व है वो हमारे पास है सोशलाइजेशन अर्बन से अर्बन एरियाज की तरफ मूवमेंट जो है जो हमारे पास ट्राइब एरियाज की तरफ से अर्बन एरियाज की तरफ मूवमेंट है अब जब हम इकोनॉमिकली रिसोर्स एलोकेट करते हैं तो वो भी हमारे पास अपसेट हो जाते हैं मसलन मतलब देखें कि अगर फर्ज करें कि हमने ये एक बिग सिटी है एक्स वाई जी कोई भी हम नाम दे सकते हैं हमने एस्टिमेटेड रिसोर्सेज इसके लिए एलोकेट किए हैं और एक हमारे दो वाई और जी सिटीज हैं जो रूरल एरियाज हैं या ट्राइब एरियाज हैं हमने उनके लिए फंड भी एलोकेट कर दिए हैं अब फर्ज करें कि हमारे ट्राइबल एरियाज से या रूरल एरियाज से या वो एरियाज जहां पे फैसिलिटीज कम थी वहां से जो मूवमेंट करके अर्बन एरिया में आए तो इन्होंने यहाँ पे जो रिसोर्सेज थे जो इकोनॉमिक का सिस्टम हमने बनाया था तो इकोनॉमिकली उसको भी डिस्टर्ब कर दिया इन्होंने अब जहां पे रिसोर्सेज एलोकेट हो गए हैं, तो वहां पे हो सकता है हमारे डेढ़ सौ या दो सौ बच्चे, कि बच्चे जो है ना वो यहां पे स्कूल में पढ़ने के लिए आएंगे आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं हमने अपने इकोनॉमिक के फंड्स की एलोकेशन इस एरिया में कर दी अब यहां से लोग जो है वो शिफ्ट होने के बाद वो चले गए अर्बन एरियाज में हमने अर्बन एरियाज में फॉर एग्जाम्पल से आठ हज़ार या दस हजार लोगों के बच्चों के पढ़ाने के लिए हमने स्कूल का सिस्टम बनाया था उनके शिफ्ट ओवर होने से वहां पे ओवरबर्डन हो गया और जहां से वो शिफ्ट हुए हैं वो अंडर यूटिलाइज हो गया तो हमारी जो पॉपुलेशन की ग्रोथ थी उसके पहले जो दो इंपैक्ट हो गए वो हमारे पास पहला इंपैक्ट जो है वो सोशल है और सोशल के अंदर जो है ना वो माइग्रेशन है फ्रॉम ट्राइब एरियाज और रूरल एरियाज़ टू दी अर्बन एरियाज और दूसरे नंबर पे हमारे पास इकोनॉमिक है कि हमने इकोनॉमिक के लिहाज से हमने जो फंड्स एलोकेट किए हैं और जो हम एलोकेशन कर रहे हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाती है तो इसलिए हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल जब तक नहीं करेंगे तो इसके ये असरात हमारे पास मुरतब होते रहेंगे